नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं एएच न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से बारिश से मुतासिर इलाके कारवान हलके का मुआयना किया। हैदराबाद तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर MIM कारवान MLA जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब और इनके साथ MIM कोऑपरेटर GHMC ऑफिसर ने मुआयना किया जो बारिश से मुतासिर इलाके हैं। कुली कुतुब शाह कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, जमाल कुंटा, अकबरपुर, टोली चौकी, यहाँ पर बारिश का पानी आसानी से जाने के लिए नालों की सफाई की और कचरे को हटाया गया। ये थी हमारे नुमाइंदे अहमद की खसूसी रिपोर्ट। मैं मोहम्मद, ब्यूरो रिपोर्ट, AH न्यूज। बना दिया पाइप कट्टे निलबेट आ मोटर किंद मोटर किंद अदे गुंजता जगरत अदे कट्टे गुंजे आता खाता पानी देता कहीं नहीं पूरा भर जाता पानी वहां तक खाना पानी मैडम को ला कर देता हूँ। घर में से ऐसे लाइन ये से दूसरे घर में चले जाए वहां से तीसरे घर में ऐसे लाइन है इधर से ओके सुनने की पट्टी करनी भाई पता ना पता नहीं हां ये जाएंगे पापा चल रहा तो मारो यहां से दूसरे घर पे काम कर लो यहां से दूसरे घर पर मत कर रहे और लोग ये पापा का इधर ही तो 12 इंच की लाने 12 इंच की वो जमाली दरवाजा हां पुलिस पार्टी का बोला है एक दिन बुरकुंडा चलता पूरा शाम तक जैसे होता है रात में खुली तो 12-1 बजे फिर 11 बजे बंद की ये था वो डिसेंटिंग दिए था।
ब्लॉक हुआ था यहाँ पे, जो लोग मेहमान आ रहे हैं। पानी में लेटते पूरे वहां के उधर रुके थे, आगे इधर रुके थे। ये बेचारे तो घर को लॉक करके चले गए जी। हाँ बोलता ये है असल वालेकुम।
चलिए बस चलो भाई गेट में दिल्लीपुरा हाउस पे वो एक 25-30 मीटर 40 मीटर हट डाल देंगे उधर मिला देंगे बाजू की गली पूरा चौको लाइन पूरा वो होगा हाँ अंदर से जा रहा है उसको डाल देंगे 3 फीट का पाइप डाल देंगे उधर से बाजू की गली है अब वो पूरा देखा कैसा जा रहा पूरा भयंकर जा रहा पड़ा फोर टीवी को भी दूसरों का रूम लग कर कल रात की जो बारिश की वजह से कई इलाके जाके अंदर फिर पहले की तरह पानी दाखिल हो चुका और सुबह से तमाम बल्दिया के अहदेदार वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया है और अभी कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को होता है हिदायत दी कि मोस्ट अर्जेंट जितने भी पाइप लाइन्स के तमाम के तमाम शाम तक एस्टिमेट को सबमिट करने का तय किया और उन्होंने सेंक्शन करने का भी तय किया गया और साथ ही साथ खुले कुतुब शाह नगर जमाली कुंडे के अंदर जो शेख पेट से गोलकुंडे को जमाली दराजे तक जो पानी की लाइन जाती है वाटर लाइन 18 इंच की लाइन है बड़ी काफ़ी पुरानी करीब 40 साल पहले पुरानी दालिस लाइन है वो लाइन को डैमेज होने की वजह से जमाली कुंडे के अंदर कई मकान के अंदर से जारी लाइन उस लाइन के लिए भी CGM डायरेक्टर और तमाम वाटर वर्क्स के अहदेदारों का भी दौरा कराया वहाँ पर और उन्होंने तय किया हिदायत दी कि मेन रोड से ले जाकर जमाली दराजे तक वो लाइन को डाला जाएगा और जो मकानात का जो नुकसान हुआ उन तमाम नुकसान को पूरा लोग जितना भी डैमेज हुआ उन तमाम मकानात का डैमेज को भी काम करके देने का टाइफन दिए और मैं अभी वाटर वर्क्स के GHMC के अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया मैं इंशाल्लाह समझता हूँ अगर बारिश रुक जाएगी तो जितना भी थी नदीम गाली में या दीगर इलाके जाके अंदर जो पानी दाखिल हुआ उन तमाम दाखिल होने का पानी भी कम हो सकता है शुक्रिया।